किसी को पाने के लिए अपनों को छोड़ना खुद गर्जी होती मोहब्बत नहीं। अनारकली समझ क्यों नहीं पा रही हैं आप? क्यों नहीं समझ पा रही है कि हमसे जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, हम खुद नहीं समझ पा रहे थे अपनी मोहब्बत को, अपनी चाहत को, और अब आप हैं कि आप हमें समझना नहीं चाह रही हैं। कैसे बताएं आपसे कि कितने मोहब्बत करते हैं हम आपसे, नहीं जी सकते आपके बिना। हमें यकीन है आप हमसे दोबारा मिलेंगे सही सलामत। इस अधूरी मुलाकात को पूरी करने आप जरूर लौटेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ईश्वर, शहंशाह स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पिता पुत्र में फिर से बात बिगड़ जाए। क्या करें हम? क्या आवश्यकता थी आपको बिस्तर से उठने की? अरे शहंशाह को हम समझाते थे, आपको बुखार आ रहा है, आपके तबीयत चीखनी चक्कर आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में ऐलान में आने का प्रयास ही क्यों किया आपने? देखो सलीम, कोई भी कार्य आपके स्वास्थ्य से अधिक आवश्यक नहीं है हमारे लिए। आपको अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना चाहिए, समझे आप? अब चुपचाप से लेटे रहिए और जब तक आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता आप यहाँ से उठेंगे नहीं, समझे? क्या हुआ शेखु? होना क्या है, ना तो इन्हें खाने का होश रहता है, ना पीने का, ना अपने स्वास्थ्य का, पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। अब देखिए ना, बुखार आ गया, चक्कर खाकर गिर पड़े। अब आप ही समझाइए अपने पुत्र को। ये झूठ क्यों बोल रही हैं? अगर तबीयत खराब थी आपके तो आपको आराम करना चाहिए था। वही तो हम समझा रहे, परंतु सुनते कहाँ हमारी? हकीम साहब को बुलाया जाए इनके लिए। वाले हाथ होने के नाते आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए शेखु, ताकि आइंदा जब इतना बड़ा ऐलान हो आप वहाँ गैर हाजिर ना हो, इतने सारे लोगों के सामने आपकी गैर मौजूदगी खली है। जब तक आप ठीक ना हो जाए आराम करें, बिस्तर से मत उठिए। आज के ऐलान के बाद बहुत सारे लोगों से मसलत करनी है हमें, बाद में आते हैं। मरियम अज़मानी, क्या जरूरत थी आपको झूठ बोलने की? हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों शहंशाह से झूठ बोला आपने हमारे लिए? इसलिए ताकि वो फिर से आपसे नाराज न हो जाए। आज शहंशाह ने बादशाही सिक्के जारी किए, बहुत प्रसन्न थे वो। हम नहीं चाहते थे कि माहौल बिगड़े, इसलिए आज पहली बार हमने अपने पति से सत्य नहीं कहा, आज वो भी आपके कारण सलीम। कम से कम अब तो हमें बता दीजिए कि आप कहाँ गए थे। हमें कोई जरूरत नहीं आपको बताने की कि हम कहाँ गए थे और क्यों गए थे। और हाँ, हमारे लिए आपको अपने शौहर से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी जाकर उन्हें सच बताएंगे, खुद जाकर सच बताएंगे उन्हें। नहीं सलीम, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। हमें जाना है और उन्हें सच बताना है। आप हटिए। आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमारे दिल में क्या है ये आपके सामने लाना चाहते हैं। शहंशाह सच कहे ना तो हमें आपकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं है। इस महल की घुटन भरी हवा में सांस लेने में तकलीफ होती है, हमें तकलीफ। और आप चाहे जो मर्जी ऐलान करें, जो चाहे जश्न करें, हम उनमें शामिल नहीं होंगे। ये हमारा खुद का फैसला है। हमें आपसे नफरत है, इस महल से नफरत है, अपने इस वलीअहद के अहदे से नफरत है हमें सबसे। शहंशाह, सलीम बहुत बीमार है, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी अपने आपे में नहीं है। देखिए शहंशाह, बीमारी की वजह से सलीम बस प्रलाप कर रहे हैं। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा शहंशाह। अफसोस हमें इनकी बात पर नहीं, अफसोस हमें इनकी हालत पर आ रहा है। हम समझे नहीं, इन्होंने अफीम ली है। ये आप
कैसी बात करें, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ चौथा बेगम, जान की हालत देखिए, आंखें देखें इनकी कितनी लाल है। और ऐसा तब होता है जब लोग अफीम खाते हैं। ये देखिए, ये है वलीअहद जो खुद को संभाल नहीं पा रहे, लड़खड़ा रहे हैं। शर्म है, हकीम साहब को बुलाया जाए। चलिए, ये लगातार तीसरा हमला है इस महीने और बार बार हमारे दुश्मन इसी इलाके से घुसपैठ करते हैं। चिंता मत कीजिए शहंशाह, खाना वहाँ के लिए निकल गए, वो सब संभाल लेंगे। हमें उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन इस मुश्किल का हल हमें एक ही बार में निकाल देना चाहते हैं ताकि बार बार हमारे दुश्मन इस तरह की घुसपैठ ना करें। इस मामले पर राव की क्या राय है राजा बीरबल साहब? हम भी यही सोच रहे थे शहंशाह, सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सीमा चारों ओर से सुरक्षित है, परंतु उत्तरी पश्चिमी का ये इलाका थोड़ा कमजोर है। बीरबल जी ठीक कह रहे हैं शहंशाह, ये एक इलाका है, इसके एक और नदी, दूसरी ओर घना जंगल है। घुसपैठ का रास्ता यहीं से है और यहीं से हमला करके वापस जाने का रास्ता है। यदि इस इलाके में किला बना दिया जाए और स्थायी रूप से सेना तैनात कर दी जाए तो हम घुसपैठ को रोक सकते हैं। हुजूर, जंगल का जो ये बाई तरफ का इलाका है, यहाँ पर किला बनाया जा सकता है। बहुत खूब, मशवरा अच्छा लगा आपका। तो मैं सब इस इलाके के बारे में आप हमें बताए कि यहाँ किला बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी हमें? नहीं शहंशाह, यहाँ पर सिर्फ एक ही गाँव है जिसमें एक ही कबीले के लोग रहते हैं, बाकी सामरिक दृष्टि से किला बनवाने के लिए जगह बिल्कुल उपयुक्त है। तो फिर तय हुआ, यहाँ हमारा किला बनाया जाएगा। इस काम की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं राजा मान सिंह। परमेश, इलाके का मुआयना कर आप हमें सारी खबर दें और काम शुरू करें। जी, और इस काम में शाम सर आपके साथ देंगे। इस नाचीज पर एतबार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादे सलीम ने कैसे सोच लिया कि हम उनके पास वापस लौट आएंगे? कैसे सोच लिया कि हम अपने अब्बू जान की मौत अपनी जिल्लत बुला देंगे? हमने ये घुंघरू पहने शहजादी सलीम की वजह से, अपने अब्बू जान को खोया शहजादी सलीम की वजह से, दुनिया ने हमें रकासा कहकर गाली दी शहजादी सलीम की वजह से, हम नहीं भूल सकते। उनकी हर मुआफी उनके गुनाह के आगे छोटी है। हमारे दिल में इतनी जगह भी नहीं है शहजादी सलीम कि आपका दिया हुआ हर दर्द उसमें समा सके। हमें आपसे नफरत है, बस नफरत। मरियम जमानी ने तुम्हें तुरंत उनके पास आने का आदेश दिया है। हम अभी हाजिर होते हैं। आपकी मंगनी हो गई है और बहुत जल्द आपका निकाह भी होने वाला है। सब कुछ ठीक ही तो है? तुम सही कह रही हो अनार। और वैसे भी शहजादे सलीम ने खुद शहंशाह को बताया था कि उन्हें वो मांग टीका वाली लड़की पसंद है। अनार, तुम्हारा मांग टीका हमारे लिए सौभाग्यशाली रहा। हमने तुम्हारा मांग टीका पहना और ईश्वर ने हमारी मान सुन ली। दो तीन दिन में हम वापस आमेर लौट जाएंगे, परंतु तुम तो यही हो। हमें खुशी है कि कोई तो है जो हमारे और शहजादे सलीम के बीच की एक डोर का काम करेगा। शहजादे सलीम के स्वास्थ्य की सूचना हमें देते रहना। अरे, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बुआ साने तुम्हें बुलाया है ना? जी, खुदा हाफ। आमेर में हमारा काम राजकुमारी का बनाव श्रृंगार करने का था। ये मांग टीका उन पर बहुत फब रहा था तो हमने उन्हें दे दिया। कल शाम को एक बहुत ही खास ऐलान था, पर सलीम उस ऐलान को छोड़कर तुमसे मिलने आए क्यों? क्यों ऐलान में उपस्थित होने के स्थान पर तुमसे मिलना सलीम के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा सलीम के साथ क्या संबंध है। एक मामूली रकासा और शहजादे के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? मरियम उज़्ज़मानी, हमारा उनका ना कोई मेल है ना कोई जोड़। तो फिर क्यों वो इतना महत्वपूर्ण ऐलान छोड़कर तुमसे मिलने गए? एक रकासा के लिए एक वलीअहद ने इतने खास पल क्यों छोड़े? तुम्हारी चुप्पी हमारा उत्तर नहीं हुआ। बताओ हमें, हम जानना चाहते हैं तुम दोनों के बीच में क्या संबंध है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।